जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वैशाख मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 की अमावस्या कब है। तो जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में, इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। अमावस्या जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि, इस दिन अमावस्या होती है और अमावस्या तिथि का दिन, इस दिन गंगा स्नान करने के लिए, दान पुण्यों का कार्य करने के लिए इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। खास करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना, दान पुण्यों का कार्य करने का इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का जहाँ तक हो सके पालन करना चाहिए। इस दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के खासकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वैशाख महीने का जो कि हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, वैशाख के महीने में खासकर गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, इन सबों का ही बड़ा ही विशेष महत्व है। तो अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके गंगा में स्नान करें। अगर वहाँ पे स्नान न कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए, कुल देवता का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें, तो इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, इससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके गौ को हरा चारा खिलानी चाहिए, कौए को रोटी देनी चाहिए, कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, मछली को आटे की गोली बना करके नदी तालाब आदि में डालनी चाहिए और चींटी को आटा या गुड़ आदि देनी चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जो कि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त जो कि दोपहर के समय में श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पितृ देवता अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 19 अप्रैल 2023 दिन बुधवार सुबह 11:26 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 20 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को सुबह 9:43 पे। तो जो भी श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं वो सभी 19 अप्रैल 2023 दिन बुधवार को इन कार्यों को करेंगे और जो गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य करने वाले हैं वो सभी स्नान दान की अमावस्या जो कि 20 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को स्नान दान की अमावस्या है। 19 अप्रैल को जो कि सूर्योदय का समय, वह समय सुबह 5:32 और सूर्यास्त शाम 6:23, चंद्रोदय सुबह 4:56 और चंद्रास्त शाम 5:39। 19 अप्रैल को जो राहु काल का समय होगा वह समय सुबह 11:57 से दोपहर 1:33 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। नक्षत्र जो कि रेवती नक्षत्र रात्रि 11:53 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र और 20 अप्रैल को जो सूर्योदय का समय है वह सुबह 5:31 और सूर्यास्त शाम 6:23, चंद्रोदय सुबह 5:30 और चंद्रास्त शाम 6:40। राहु काल का जो समय होगा वह समय 20 अप्रैल को जो कि दोपहर 1:33 से दोपहर 3:10 तक राहु काल का समय होगा। योग जो कि विषकुंभ योग दोपहर 12:59 तक, उसके बाद प्रीति योग। नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र रात्रि 11:11 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र। तो अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के निमित्त जहाँ तक हो सके श्राद्ध तर्पण दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, जो कि 19 अप्रैल को श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा और जो केवल स्नान दान करने वाले हैं वो सभी 20 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को स्नान दान की अमावस्या है।
तो स्त्री शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें, अपने इष्ट देवता का पूजन करें, गौ को हरा चारा खिलाए, तालाब नदी आदि में जो कि आटे की गोली बना करके प्रवाहित करें, मंदिरों में दीप आदि का दान करें। अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष के पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, तो इस दिन पीपल के वृक्ष में जल दे और वहाँ पे एक दीपक जलाए, इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।